इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं STW वर्सेज ASW, सिडनी थंडर वोमेंस वर्सेज एडिलेड स्ट्राइकर वोमेंस, ऑस्ट्रेलिया वोमेंस T20 बिग बैश लीग का ये मैच नंबर 48 है। ड्रीम 11 टीम यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे, पूरा स्टैट्स भी आपको देंगे, पूरे रिकॉर्ड्स बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। डायरेक्टली मैच के बारे में बात करते हैं। सिडनी थंडर वर्सेज एडिलेड स्ट्राइकर वोमेंस बिग बैश का मैच नंबर 48 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है सिडनी के वेन्यू पे स्टार्ट होगा 9:30 पे। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ, बैट जो है अच्छी हमें देखने के लिए यहाँ पर जो है मिलती है, बाउंस मिलती है, यानी कि फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज रहता है। स्पिनर्स यहाँ पर जो है थोड़े से एडवांटेज में आएंगे मिडिल ओवर में। जो भी टीम यहाँ पर टॉस विन करेगी ना, वो बैट फर्स्ट करना जो है प्रेफर करेगी, एक अच्छा आइडियल ऑप्शन रहने वाला है। वीडियो को लाइक भी करिए दोस्त, आपका एक लाइक चैनल को सपोर्ट करेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो वीडियो को लाइक भी जोर से कर दिया करें। इस वेन्यू पे अगर बात की जाए, टोटल जो है 52 मैचेस हुए हैं, 30 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 22 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। 155 रन एवरेज स्कोर है, 242 रन हाईएस्ट स्कोर है, 68 यहाँ पे लोएस्ट स्कोर है। 52 मैचेस में क्या हुआ है, 25 बार 150 रन से नीचे का स्कोर बना है, 150 से 170 रन के बीच में 14 बार स्कोर बना है, 170 से 190 के बीच में 6 बार स्कोर बना है, और 190 से ऊपर का जो है 7 बार स्कोर बना है। वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना, 18 नवंबर को मैच खेला गया था, यहाँ पर देख सकते हो कि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने बैट सेकंड करते हुए जो है मैच विन किया था। उसके पहले एक मैच हुआ था और भी सेम जो है डे पे हुआ था, इस मैच में भी जो है बैट जो है सेकंड करने वाली टीम ने विन किया, और लेकिन उसके पहले के अगर आप मैचेस देखोगे तो यहाँ पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जो है 3 मैचेस विन किए हैं। यहाँ पर सिडनी थंडर ने भी जो है मैचेस खेले हैं और जो है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने भी जो है यहाँ पर मैचेस खेले हैं। सिडनी थंडर की टीम ने यहाँ पर जो है 2 मैचेस ऑलरेडी खेले हुए हैं, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने सिर्फ 1 मैच जो है अभी तक इस सीजन जो है खेला हुआ है। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एडवांटेज देती हैं, सिडनी थंडर की टीम जो है यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज में रहेगी। लास्ट उनका आप देख सकते हो सिर्फ 1 विकेट खोकर उन्होंने जो है मैच विन किया था, उसके पहले भी अगर आप देखोगे थंडर की टीम ने यहाँ पर मैच जो है विन किए हैं। विकेट्स की बात की जाए, 11 विकेट गिरी है, 9 विकेट गिरी है, 16 विकेट गिरी है, 18 विकेट गिरी है और 19 विकेट गिरी है। स्टार्टिंग में जो है विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन इन 2 मैचेस में जो है विकेट्स गिरते हुए नहीं देखे गए। यहाँ पर अगर बात की जाए हेड टू हेड की रिकॉर्ड की, टोटल जो है 15 मैचेस हुए हैं स्ट्राइकर और जो है थंडर के बीच में, 6 बार थंडर की टीम ने विन किया है और 9 बार स्ट्राइकर की टीम ने विन किया है। इनका जो लास्ट हेड टू हेड का मैच हुआ था एडिलेड के ही वेन्यू पे हुआ था, 15 नवंबर को मैच था, स्ट्राइकर की टीम ने जो है 6 विकेट से मैच विन किया था। सिडनी थंडर की हालत जो है पतली हो गई थी। उसके पहले भी एक मैच हुआ था जो आप देख सकते हो 22 नवंबर 2023 को खेला गया था, स्ट्राइकर की टीम ने जो है विन किया था। यानी कि दोनों इनके लास्ट के हेड टू हेड के मैचेस जो है स्ट्राइकर की टीम ने जो है विन किए हैं। आप लास्ट 5 मैचेस की जो है यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। दोनों ही टीम की अगर मैं पॉइंट्स टेबल में पोजीशन की बात करूं, अभी आप देख लो दोनों ही टीम ने 11-11 मैचेस खेले हैं। थंडर की टीम ने 7 मैचेस विन किए हैं, पॉइंट्स टेबल में 3rd पोजीशन पे है। स्ट्राइकर की टीम ने 11 मैचेस में से 8 मैच जो है विन किए हैं और पॉइंट्स टेबल में जो है 2nd पोजीशन पे हैं। लास्ट अपना दोनों ही टीम जो है मैच विन करके आ रही है, दोनों ही टीम इस सीजन अच्छा खेल रही है। यहाँ पर आप लास्ट 5 मैच सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर के जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले थंडर टीम की प्लेइंग 11, थालिया विल्सन के साथ में चमारी अट्टा पट्टू आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे लीचल फील्ड है, उसके बाद हीटर नाइट है, एम कैप है, अनाइका लियोर्ड है, सैमी जो जॉनसन है, ओलिविया पोर्टल है, एच डार्लिंगटन है, लॉरेन स्मिथ है और समंता बेट्स है। ये सिडनी थंडर की प्लेइंग 11 है। आपको लेफ्ट हैंडेड में चमारी अट्टा पट्टू, लीचल फील्ड 2 प्लेयर मिलेंगी। एडिलेड स्ट्राइकर की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, कैटी मैक के साथ में लॉरा वॉर्ड्रॉट आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे थालिया मैगराथ हैं, उसके बाद ब्रिज पैटिशन है, एम पीना है, गिब्सन है, जोगोर्जिया एडम्स है, अमंदा वेलिंगटन है, जिम्मा ब्रेसवी हैं, मेगन स्कट है और उसके बाद जो है मुस्वांगे हैं। तो ये एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 है। इनकी टीम में आपको मोस्टली राइट हैंडेड ही जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोनों ही टीम में से बात करूँ मेरी फेवरेट टीम कौन सी रहने वाली है, तो मुझे लगता है स्ट्राइकर की टीम थोड़े से ज़्यादा जो है फेवरेट इस मैच में रहने वाली है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, लीचल फील्ड लास्ट मैच में 8 रन पे आउट हुई, लेकिन कुछ अच्छी इनिंग्स जरूर से खेली हुई है, आप इनकी देख सकते हो। कंसिस्टेंट प्लेयर है और अच्छी इनिंग्स के लिए जानी जाती है। अट्टा पट्टू इस सीजन धमाल कर रही है, लास्ट मैच में भाई 77 रन प्लस 2 विकेट, उसके पहले 43 रन प्लस 1 विकेट, 58 रन, 32 रन यहाँ पर देख सकते हो कि स्कोर कर रही हैं और विकेट्स भी लेके जा रही हैं। हेड टू हेड के 4 मैचेस में 2 विकेट है, बाकी वेन्यू स्टेट्स भी आप देख सकते हो। हीटर नाइट भी जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती हैं। थालिया विल्सन पहले ओपन कर रही थी, लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट के कुछ मैचेस से तो भाई इनको जो है नंबर 4 पे अभी भेज दिया गया है और लीचल फील्ड जो है ओपन कर रही हैं। एम कैप जो है अच्छी बॉलर है, लेकिन रिसेंट फॉर्म देख सकते हो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो भाई विकेट्स नहीं निकाल पा रही हैं।
ये लास्ट मैच की जो है इनकी बॉलिंग डिटेल्स है। सैमी जो जॉनसन को सिर्फ एक ओवर मिला था और हीटर नाइट को भी सिर्फ एक ओवर मिला था, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये पार्ट टाइम जो है बॉलिंग करेंगी। बाकी समांता बैट्स, एम कैप, चमारिया टप्पट्टू और लॉरेन स्मिथ और जो है एच डार्लिंगटन, ये जो है इनकी मेन बॉलर रहने वाली हैं। इसमें अट्टापट्टू के भी जो है ओवर कट सकते हैं। एडिलडी स्टाइगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर कैटी मैक आप देख सकते हो कंसिस्टेंट जो है ये भी परफॉर्म करती है, अच्छी प्लेयर है, अपनी टीम में रखना। बाकी लॉरा वॉडरोट साउथ अफ्रीका की बहुत ही अच्छी बैटर है, रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे कुछ जो है इनिंग्स जरूर से इन्होंने खेले हुए हैं। थालिया मैगरात बढ़िया ऑप्शन है, लास्ट मैच में 38 रन प्लस 2 विकेट, 30 रन प्लस 1 विकेट, 20 रन प्लस 1 विकेट, कुछ मैचेस में जरूर से अगर आप देखोगे विकेटलेस रही हैं लेकिन विकेट भी निकाल लेती हैं और जो है वन डाउन पे आ रही हैं तो आपको बैट भी अच्छा करके देने वाली हैं। ब्रिज पैटिशन अच्छा कर रही है, अगर आप देखोगे जब भी मौका मिला है इन्होंने अच्छा किया हुआ है। एम पीना अपने दिन पे बहुत अच्छा कर सकती है, जैसे कि ये 57 रन की नॉट आउट इनिंग्स है, बाकी मोस्टली मैचेस में अगर आप देखोगे ना तो नॉट आउट ही रही हैं। गिब्सन अच्छा कर रही है, लास्ट मैच में जो है 3 विकेट लिए, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करती है। गिब्सन हो गई और गॉर्जी एडम्स, ये दोनों बैट बॉल दोनों से जो है परफॉर्म करती हैं और डेफिनेटली ग्रांडे की बहुत बड़ी जो है ऑप्शन रहने वाली हैं। अमंदा वेलिंगटन को लास्ट मैच में 2 विकेट मिला, मेगन स्कट लास्ट मैच में जो है विकेट लेस रही लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे हर मैच में जो है विकेट लेके जा रही थी। मुस्वांगी भी जो है हर मैच में विकेट लेके जा रही हैं, चाहे वो एक ही विकेट हो लेकिन विकेट जो है जरूर से मिल रहे हैं। जिमा ब्रेस्मी ने लास्ट मैच में 1 ओवर कराया तो पार्ट टाइम ही बॉल कर रही हैं और गॉर्जिया एडम्स भी पार्ट टाइम बॉल कर रही हैं। ये लास्ट मैच की जो है एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स की जो है यहाँ पर बॉलिंग डिटेल्स है। अब हम बात करते हैं टॉप पिक्स की। टॉप पिक्स यानी कि की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी, चमारी अट्टापट्टू, एम कैप, थालिया मैगरात, लिचल फील्ड, ब्रिज पैटिशन, हिटर नाइट, लॉरा वॉडरोट और सैमी जो जॉनसन, ये अच्छी अच्छी प्लेयर्स हैं स्मॉल लीग की टीम में, इन प्लेयर्स को जो है आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। स्मॉल लीग में अगर आप सीबीसी जा रहे हो, चमारी अट्टापट्टू, एम कैप, थालिया मैगरात और लिचल फील्ड, ये चार आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलती हैं स्मॉल लीग में सीबीसी के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन्हीं चारों में आप जो है सीबीसी जाओ। ग्रैंड लीग में जा रहे हो मेरे भाई, ब्रिज पैटिशन को ट्राई कर सकते हो, हीटर नाइट भी बॉल कर रही हैं तो ये एक एडवांटेज इनके साथ में रह रहा है था, और लॉरा वॉडरोट अपने दिन पे बहुत अच्छा करके आपको दे सकती हैं। सैमी जो जॉनसन भी बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करके दे सकती हैं, हालांकि अगर आप देखोगे लास्ट मैच में ज़्यादा ओवर नहीं डाले थे इन्होंने। यहाँ पर सिडनी थंडर वुमेन्स की पूरी फुल स्क्वाड डिटेल है और एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स की पूरी फुल स्क्वाड डिटेल है, तो दोनों ही टीम की आप यहाँ पे स्क्वाड डिटेल भी देख सकते हैं। गाइज ये आपका अपना ही टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है। यहाँ पर आपको टॉस की इन्फॉर्मेशन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11 टीम सभी चीज़ें मिलती हैं, आप जरूर से ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अपने ड्रीम 11 की टीम हम रेडी कर लेते हैं जो कि 3 मेंबर और 4 मेंबर के लिए रहने वाली है। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करेंगे, ब्रिज पैटिशन, थालिया विल्सन, आपको दो ऑप्शन मिलती है। अगर थालिया विल्सन ओपन कर रही है ना तो इसको अपनी टीम में आप रख सकते हो, बाकी मैं ब्रिज पैटिशन के ही साथ में जाऊंगा अभी। हीटर नाइट को लिया है, कैटी मैक को लिया है, लॉरा वॉडरोट को लिया है, लिचल फील्ड को लिया है। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, लिचल फील्ड या लॉरा वॉडरोट दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। अट्टापट्टू को लिया है, एम कैप को लिया है, थालिया मैगरात को लिया है और डी गिब्सन को अपनी टीम में लिया है। मेगन स्कट हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगी, मैंने यहाँ पर अमंदा वेलिंगटन को भी अपनी टीम में लिया है। समांता बैट्स, लेंसी स्मिथ और एच डार्लिंगटन, ये जो है 3 अच्छी प्लेयर्स हैं जो कि जो है विकेट्स लेती हैं और जो है अपने दिन पे गुच्छों में विकेट निकाल सकती हैं। मुस्वांगी एक एक विकेट ले रही है तो इनको भी आप अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हो, मेरे पास जगह नहीं बन पा रही है, आप किसी बैटर की जगह पे चाहो तो भाई जो है आप समांता बैट्स या फिर जो है लेंसी स्मिथ और एच डार्लिंगटन में से किसी को आप ले सकते हो। स्पेशली मैं मेंशन करूंगा एच डार्लिंगटन को जो कि ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन जो है रहने वाली हैं। सीबीसी की बात की जाए, मैं यहाँ पे थालिया मैगरात को जो है कैप्टन कर रहा हूँ और जो है अट्टापट्टू को यहाँ पे वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ। आप यहाँ पर जो है अट्टापट्टू के साथ में जो है कैप्टनसी जा सकते हो, 55% लोगों ने जो है इनको कैप्टन किया हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके जो है थालिया मैगरात को जो है कैप्टन कर रहा हूँ। 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम है, जीतेंगे तो वन साइडेड, हारेंगे तो वन साइडेड। 4 प्लेयर मैंने थंडर के लिए हैं, 7 प्लेयर मैंने स्ट्राइकर के लिए हैं। ब्रिज पैटिशन हमारी टीम में, हीटर नाइट है, लॉरा वॉडरोट है, कैटी मैक है, लिचल फील्ड है, चमारी अट्टापट्टू है, एम कैप है, थालिया मैगरात है, डी गिब्सन है, मेगन स्कट है और अमंदा वेलिंगटन है। इसी हिसाब से मैंने जो है टीम बनाई है, एडिलेड स्ट्राइकर पे मैंने फोकस करके और उसी टीम को जो है मैंने कैप्टनसी यहाँ पर थालिया मैगरात को दी है। बाकी आपको वन सेकेंड फिर से बोल रहा हूँ, अगर रिस्क नहीं लेना है अट्टापट्टू को कैप्टन कर लो और किसी जो है लॉरा वॉडरोट या फिर लिचल फील्ड की जगह पे आप चाहो तो एच डार्लिंगटन, समांता बेट्स, किसी भी प्लेयर को आप अपनी टीम में जो है रख सकते हो।
उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आए हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर से प्रेस कर देना। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।